ट्रांसपोजेबल जेनेटिक एलिमेंट्स, ट्रांसपोजोन्स, जंपिंग जीन या जंग डीएनए या सेल्फिश डीएनए, ये सभी नाम है ट्रांसपोजेबल जेनेटिक एलिमेंट्स के। ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर स्विच कर सकते हैं, इसीलिए इनको जंपिंग जीन बोलते हैं। ट्रांसपोजेबल जेनेटिक एलिमेंट की जो डिस्कवरी है वो की गई थी अमेरिका की एक साइंटिस्ट थी बारबरा मैक्लिंटॉक, इनके थ्रू। जब वो मेज पे काम कर रही थी तो ACDS एलिमेंट के डिस्कवरी के थ्रू उन्होंने ट्रांसपोजोन्स की डिस्कवरी करी। आज की डेट में 3 टाइप के ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स डिस्कवर किए जा चुके हैं और इनका जो क्लासिफिकेशन है वो उनके मोड ऑफ ट्रांसपोजिशन के बेसिस पे किया गया, जिसमें पहली कैटेगरी आती है कट एंड पेस्ट ट्रांसपोजिशन की, जिसमें डीएनए को एक पोजिशन से दूसरी पोजिशन पे स्विच किया जाता है कट करके, जिसमें ट्रांसपोजेज नाम का इंपॉर्टेंट एंजाइम रोल प्ले करता है। दूसरी कैटेगरी है रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजिशन की, जिसमें कि आपको डीएनए का जो सेगमेंट होता है वो खुद की एक डुप्लीकेट कॉपी बनाता है, फिर इसको दूसरी जगह पे पोजीशन किया जाता है। थर्ड कैटेगरी आती है रेट्रो ट्रांसपोजोन्स की, जिसमें आपको 2 टाइप देखने को मिलते हैं, रेट्रो वायरस लाइक एलिमेंट्स एंड रेट्रो ट्रांसपोजोन्स। इसमें स्पेशल है कि ये आरएनए इंटरमीडिएट के थ्रू इनकॉर्पोरेट होते हैं।